महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हो गया है। 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। दोपहर 12 बजे बागम्बरी मठ में भू समाधि दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो पोस्टमार्टम हो चुका है। लगातार 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला है और अब 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इससे पहले यात्रा भी निकाली जानी थी और 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। बागम्बरी मठ में भू समाधि दी जाएगी और जैसे कि उन्होंने लेटर में भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उनके जो गुरु थे उनकी समाधि के पास में ही उनकी समाधि हो, तो उनकी इच्छा अनुसार ही ये भू समाधि होगी। और संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, क्या ताजा अपडेट? प्रयागराज के महान नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम जो है वो लगभग 2 घंटे चला है। 5 डॉक्टरों की जो टीम थी उसने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम की पूरी जो प्रक्रिया है उसको कैमरे में कैद किया गया है, पुलिस की वीडियोग्राफी हुई है। उसके बाद उनका शव जो है वो बागम्बरी मठ पहुंच चुका है। बागम्बरी मठ में उनके शव को पहले स्नान कराया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा, क्योंकि इनका जो शव है इनकी यात्रा निकलेगी यहाँ से, ये संगम जाएगा। उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर जहाँ के ये पुजारी थे और बात करें इनका लगाव जो है वो हनुमान मंदिर से था। इनके भक्त जो है वहाँ हजारों और लाखों की संख्या में इनके भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो पहले इनका शव जो है यहाँ पर पहुंच चुका है, रथ तैयार कर लिया गया है। इनके शव को पहले इनका पार्थिव शरीर जो है उसको नहलाया धुलाया जाएगा, उसके बाद उनको वस्त्र पहनाया जाएगा, मतलब पूरी तरीके से उनको पार्थिव शरीर को तैयार किया जाएगा। उसके बाद इस रथ में उनका पार्थिव शरीर सवार होगा, उसके बाद उनकी जो रथ यात्रा है वो निकलेगी। अमित, 11 बज चुके हैं, अभी यात्रा भी निकलनी है, दर्शन भी करेगी जनता, तो क्या जो भू समाधि का वक्त निर्धारित किया गया था वो क्या और भी डिले हो सकता है? जी बिल्कुल, प्रक्रिया देखिए ये तो है और अभी उनका यहाँ पे पार्थिव शरीर को जो है उनके तैयार किया जाएगा, फिर उनके जो पंच परमेश्वर होंगे वो आएंगे, दर्शन करेंगे, पूरी विधि विधान से उनकी पूजा होगी, उसके बाद इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय, यहाँ से अगर बात करें दूरी संगम की तो कई लगभग 3 से 4 किलोमीटर संगम की दूरी है, वहाँ आने जाने में वक्त लगेगा। फिर पार्थिव शरीर इनके हनुमान मंदिर में कुछ देर रखा जाएगा, तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो निर्धारित समय 12 बजे दिया गया था, हो सकता है उससे थोड़ा और वक्त जाए, लेकिन प्रक्रिया जो है वो तेजी से चल रही है। पूरी तरीके से तैयारी की बात करें तो पूरी तरीके से तैयार लिया गया है, चाहे वो मंदिर के लोगों की बात करें, मठ के लोगों की बात करें, उन्होंने भी तैयारी कर लिया है। जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पूरे जो अंतिम संस्कार है उसकी तैयारी कर चुके हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है, क्योंकि इनकी यात्रा निकलेगी तो जाहिर सी बात है लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इनके दर्शन करने आएंगे। क्योंकि अगर इनकी बात करें तो इनके जो चाहने वालों की फहरिस्त थी वो काफी लंबी है, छोटे से लेकर के बड़े हर कोई इनका दर्शन करना चाहेगा, क्योंकि ये कि प्रिय थे और लगातार लोगों से इनके अंदर जुड़ाव था। इसको लेकर के जो तैयारी प्रशासन ने पूरी तरीके से पुलिस द्वारा है वो मुस्तैद कर दी है। बैरिकेटिंग लगाई गई है, जहाँ से इनका शव यात्रा निकलेगा वहाँ पूरी तरीके से बैरिकेटिंग की गई है पूरी तरीके से। इसीलिए एक दिन पहले से ही जो अनाउंसमेंट था स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, तो जो कोचिंग संस्थान से उनकी छुट्टी कर दी है, किसी प्रकार का जो भीड़ भाड़ है वो न इकट्ठा हो और आराम से इनके जो पार्थिव शरीर है उसका लोग जो है वो दर्शन कर सके। अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।